फ्यूचर पे आपका एथिक्स होता है। फ्रेंड्स, यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका जो पीएफ डिडक्ट होता है उसमें जो पेंशन का अमाउंट है किस प्रकार से सफलतापूर्वक निकाल पाए, तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि किस टाइप से आप 6 महीने से जो कम का अमाउंट है आपका पेंशन अमाउंट कैसे निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये लिमिट होता है ईपीएफओ में पेंशन विड्रॉल करने की, वो होती है कि आप किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में यदि काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा वर्किंग पीरियड होना चाहिए, और जो मैक्सिमम जो लीवी कंपनी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपका पीएफ डिडक्ट होता रहता है तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और यदि आप उसे पहले विड्रॉल करते हो तो आपका जो पेंशन अमाउंट है जितना भी है वो विड्रॉल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, ये बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आप 6 महीने से कम का भी पैसा निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो 6 महीने से कम का पैसा विड्रॉल करने का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जैसे आपने पहले कंपनी में काम कर लिया वो 6 महीने से ज़्यादा है और उसके बाद आपने उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर लिया और उस कंपनी में भी आपने 3-4 महीने काम किया और उस कंपनी को आपने छोड़ दिया। अब फिलहाल फ्रेंड्स, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, आप बिल्कुल काम नहीं कर रहे हो किसी भी कंपनी में और आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट है, जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है उसमें सभी में अपडेट है और कोई नई कंपनी ऐड नहीं है और आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं जो 6 महीने का या फिर 6 महीने से कम का पैसा है तो वो आप विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन इसमें क्या प्रोसेस चेंज हो जाता है, इसमें प्रोसेस ये होता है कि आप जो विड्रॉल करोगे तो पहले तो आपको जो पहली कंपनी है उसका विड्रॉल हो जाता है पैसा, उसके बाद जो कम वाली कंपनी का है वो लास्ट में होता है, 2-3 बार रिजेक्ट भी हो सकता है, तो आप घबराए नहीं, आप अप्लाई करते रहे, वो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट तक सफलतापूर्वक हो जाएगा। 2-3 बार रिजेक्ट भी हो सकता है, जिसका मैंने फुल प्रोसेस बताया हुआ है, दिखाया भी हुआ है कि कितनी बार रिजेक्ट हुआ एक एम्प्लॉय का, और उसके बाद जो 6 महीने से कम का अमाउंट है वो भी उसके बैंक अकाउंट में पहुंच गया जो कि पेंशन अमाउंट है। तो फ्रेंड्स, आपका जो अगर आप पहली ही कंपनी में काम किए हैं 6 महीने से कम और आप उसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो पूरा ही होता है आपका अमाउंट का करता है, ऐसी बात नहीं है कि आपके अकाउंट से हर महीने डिडक्ट नहीं होता, हर महीने डिडक्ट भी होता है और एम्प्लॉय के थ्रू आपके पीएफ अमाउंट में जमा भी होता है, लेकिन वो 6 महीने से कम होने के कारण आपका जो पैसा है वो केवल आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर ही आपको मिल पाता है, पेंशन अमाउंट नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा कि पेंशन अमाउंट का जो विड्रॉल प्रोसेस है। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में आपको कहीं भी किसी पर कोई भी इशू आता है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।